जय श्री राम दोस्तों, एक वीडियो लेके आया हूँ जिस वीडियो को देख के मुझे बहुत दुख हुआ और खेद भी हुआ कि ये मतलब कौन सी पीढ़ी है और कौन सी ब्रीड है ये। पहले आप इस वीडियो क्लिप को देखें, उसके बाद बात करेंगे कि मेन मुद्दा क्या है। हालात हम आज देख रहे हैं भगवान को लेकर के, आज के इस आधुनिक युग में मैं देख रहा हूँ कि काफी सारा बड़ा सवाल जो है वो उठ चुका है कि भगवान है या नहीं, ईश्वर है या नहीं। तो अब इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि कौन से लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है? देखिए, मैं दो लोगों को ऐसा समझती हूँ कि दो लोग पूरी तरीके से जानते हैं कि ईश्वर नहीं है और कहीं नहीं है। पहला तो अम्बेडकरवादी और दूसरा ब्राह्मण यानी मनुपुत्र, वो जानता है क्योंकि मनु ने ही ईश्वर की रचना करी। ईश्वर उन्होंने आविष्कार किया है, उन्होंने जेनरेट किया है, ईश्वर था नहीं। इसलिए ब्राह्मण जानता है कि ईश्वर नहीं है कि वो हमारे दादा परदादाओं ने जेनरेट किया है। और अंबेडकरवादी इसलिए जानता है कि अंबेडकरवादी का जो अंबेडकरवाद का जो विचारधारा का जो जनक एक महापुरुष रहा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इस देश के अंदर, उसने इनके वेद पुराण खंगाल खंगाल कर ये देख लिया कि ईश्वर की गणना इन्होंने कैसे की है। एक होशियारी चालाकी शैतान दिमाग के तहत इन्होंने इसको गढ़ा है, ना कि ऐसी कोई शक्ति यहाँ पर थी। तो ये दो देश के अंदर विचारधारा है, दो लोग हैं, पहला अम्बेडकरवादी और दूसरा ब्राह्मण। दोनों जानते हैं कि ईश्वर कोई दुनिया में है नहीं, लेकिन दोनों में एक बड़ा अंतर है। ये मान लीजिए अम्बेडकरवादी है और ये ब्राह्मण है। अम्बेडकरवादी चाहता है कि आडंबर, पाखंड और अंधविश्वास लोगों के दिमाग से छट जाए, लोग इंसान बन जाए, लोग अच्छे बन जाए, देश खुशहाल हो जाए। लेकिन ब्राह्मण चाहता है कि लोग आडंबर से बाहर ना निकले, इसी में उलझा रहे। इसके साथ ही वह अपने जीवन को काटता रहे और अपने बच्चों को भी गुलामी ट्रांसफर करके जाए। मतलब मानसिक रूप से जो उसने सोच लिया ईश्वर और भाग्य का, वो मानता रहे, उसकी मिथ्या उसका भ्रम बना रहे। वो इस भ्रम को बनाकर रखना चाहता है जिसको ब्राह्मण कहते हैं, ये उस भ्रम को तोड़ना चाहता जिसको अम्बेडकरवादी कहते हैं। तो दोस्तों, देख लिया आपने ये हरामी, हरामखोर, दल्ले, पता नहीं कौन सी ब्रीड के हैं, क्या बोल रहे हैं, ईश्वर है या नहीं, इसकी तुलना अम्बेडकर और मनु ब्राह्मण स्वयंभू जिसको कहा जाता है, 4000 वर्ष पूर्व जिनकी जन्म लिया। और एक बार इस बात को मान भी लिया जाए कि हिंदू धर्म जो है वो 5000 वर्ष पुराना है, बट उसके बाद भी स्वयंभू जी जिसको मनु कहा जाता है, मनु स्मृति, उनकी तुलना में की जाए तो 4000 वर्ष पुराना, फिर भी हिंदू धर्म मतलब पुराना ही हुआ ना। और दूसरे भीमराव अम्बेडकर जिनको कौन नहीं जानता, जिन्होंने हमारा संविधान लिखा 1891 से 1956 तक उनका कार्यकाल। और देखिए ये हरामी जो दल्ले जो बैठे हुए हैं, क्या मैं नहीं जानता, पता नहीं कौन है ये हराम खोर यार, इन बंदों को जानना भी नहीं चाहता। हमारे भारत देश के कुछ ऐसे सूर नस्ल की ब्रीड के लोग, सूर आपको पता ना कैसा होता है, तो उनकी नस्ल है ये। अम्बेडकर जी और मनु के साथ तुलना करें कि ईश्वर है नहीं, अम्बेडकर जी नहीं मानते इस चीज़ को, और स्वयंभू जो है वो उन्होंने क्रिएचर किया, ब्राह्मणवाद ने अपना आडंबर रचने के लिए भगवान क्रिएशन किया। हिंदू धर्म को मानिए 5000 वर्ष पुराना है, ठीक है, और मैं आप इस चीज़ को समझिए, हिंदू धर्म को हम मान लेते हैं कि 5000 वर्ष पुराना, पर ये धरती जो है ना सनातन, हमारा सनातन धर्म जो है, और वी आर प्राउडिंग, फील प्राउड, गुस्सा आता है जब कोई ऐसे सूर की नस्ल के लोग इस तरह की वीडियो बनाते हैं, और क्या बोलूँ मैं, और वो है हमारे भारतीय, आज पूरी वेस्टर्न कंट्रियाँ हमारे धर्म को अपना रही हैं, सत्य चली हुई खोज हो रही है, बट कुछ अधर्मी जो है ना, हरामी, इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो दोस्तों, सनातन धर्म जो है हमारा वो लाखों अरबों वर्ष पुराना है, ठीक है, और जो भी मैं इस वीडियो में किसी धर्म की आलोचना या क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहता, ना ही कर रहा हूँ, ना ही करूँगा। अब वो कुछ धर्म ऐसे हैं जो मतलब इतने वर्ष पुराने हैं, कोई 250, 500, कोई 1400 वर्ष पुराने, मैं इस बात की बात नहीं करूँगा, बट ये हरामी जो बोल रहा है यहाँ पे, ईश्वर नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ, सनातन हमारा लाखों अरबों साल पुराना है, और मैं बताऊंगा आपको कि ईश्वर है या नहीं। कि जो अधर्मी इस तरह के दल्ले सूर की नस्ल के लोग जो हैं बोलते हैं कि
ईश्वर नहीं है। और तुलना किससे कर रहे हैं, अम्बेडकर जी और मानो से यार दुख होता है यार इन हरामियों को। मैं तो बोलता हूँ कि हमारे पास छोड़े तो इनकी सारी हरामगिरी जो है ना, ये दल्लीगिरी जिनको फंडिंग होती है धर्म परिवर्तन कराने के लिए, वो जिन लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, जिनको पता नहीं है कि सनातन है क्या और क्या इसकी हिस्ट्री है, जिनको पता नहीं है वो हम बताएंगे यार, हम बताएंगे कि क्या है सनातन, ये हरामी कौन है और इसके साथ दूसरा दल्ला जो बैठा हो ये कौन है, मैं नहीं जानता, ये हमें ना इन बंदों को जानना है। बट जो बंदों को गुमराह कर रहे हैं ना, इनको तो फंडिंग मिल रही है, पैसा मिल रहा है इनको, बट हम ऐसा नहीं करेंगे, बताएंगे लोगों को। सनातन धर्म हमारा लाखों अरबों साल पुराना है। इस धरती पे जब जब अधर्म बढ़ा है, इस अधर्म का नाश करने के लिए प्रभु ने जन्म लिया है। वो चाहे सतयुग हो, त्रेता युग हो, द्वापर युग हो, और अब कलयुग चला हुआ है। कलयुग कह रहे हैं ना, कलयुग हर एक युग में भगवान विष्णु ने जन्म लिया है, और कलयुग भी चरम सीमा पहुंचेगा अपने अधर्म के, तो भगवान इसका नाश सर्वनाश करने के लिए भी जन्म लेंगे। सतयुग में जो हमारे भगवान विष्णु ने जन्म लिया, नरसिंह का मत्स्य अवतार लिया धरती पे, उस टाइम तो इतने पाप अधर्म नहीं होते थे, पर कुछ हुआ थोड़ा मतलब होता था तो उसको नाश करने के लिए भगवान ने जन्म लिया था, हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए, शंखासुर का वध करने के लिए, तो उस टाइम भगवान नरसिंह ने अवतार लिया था। त्रेता युग में पता है कि आपको पता है कि हमारे भगवान श्री राम ने जन्म लिया था उस टाइम अधर्म का नाश करने के लिए। द्वापर युग में जब महाभारत हुआ, श्री कृष्ण भगवान ने जन्म लिया। और कलयुग जो है ना, इसमें ये भी जब ये चरम सीमा पहुंचेगा ना, तो इसमें भी भगवान जन्म लेंगे। और युगों की बात की जाए तो एक युग पता है आपको कितने टाइम कितने साल का होता है, लाखों वर्ष का। अब सतयुग को 17 लाख वर्ष मानते हैं, द्वापर युग को 12 लाख कुछ वर्ष, और सॉरी त्रेता युग को 12 लाख कुछ वर्ष मानते हैं, और द्वापर युग को 8 लाख वर्ष कुछ पुराना। तो एक इन लाखों युगों की बात की जाए तो मतलब कितने वर्षों पुराना है, मतलब जब भगवान आदि अनंत महाकाल भोलेनाथ शिव शंकर शंभु ने इस दुनिया की उत्पत्ति की, तो तब से मतलब सतयुग के टाइम से दुनिया बनी हुई है, और तब से ईश्वर है। और ये हरामी क्या बोल रहे, ईश्वर नहीं है, ये सिर्फ अम्बेडकरवादी जो कहते हैं मूर्ति पूजा, ये ऐसा वैसा कुछ नहीं है, मानो उन्हें स्वयं अपनी उत्पत्ति उसके बाद एक आगे क्रेचर है, मैंने ये ऐसा वैसा, इन डंबरों की बात नहीं करूंगा मैं। देखिए रामायण हुआ, भगवान श्री राम ने जन्म लिया त्रेता युग में, उस टाइम रामायण के प्रूफ आज भी मिलते हैं, त्रेता युग लाखों वर्ष पुराना, राम सेतु जो आज भी है, हनुमान जी ने लंका जलाई है वो आज श्रीलंका में, आज भी वहां की मिट्टी काली है, अशोक वाटिका जहां पे माता सीता रखे वो आज भी है। कई ऐसे प्रूफ है त्रेता युग के, जब रामायण हुआ, द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, उसके प्रूफ तो आज भी है, द्वारका वो आज भी समुद्र में डूबी हुई है, पांडवों के कुछ ऐसे कार्य जो आज भी हैं जो किए उन्होंने, कुरुक्षेत्र का जहाँ पे इतने ने बड़ा महाभयंकर युद्ध हुआ, उसके बावजूद उसकी स्टडी की गई, रिसर्च की गई, उसके बाद आपको पता ना वर्ल्ड वॉर जो होते किस लिए हुए थे ये, जब इन देशों ने इतनी बड़ी परमाणु शक्ति बना ली खोज करके हमारे महाभारत से, देखिए जब एक एक अस्त्र चलता ना कितने तीर गिरते थे, कितने वो होते थे, उसको देख के विश्व युद्ध हुए, बट इन हरामियों को कौन बताएगा यार। अब देखिए सूर्य से पृथ्वी की दूरी लोगों ने, साइंटिस्टों ने अभी बताई है, बट वो हमारी पवित्र पुस्तक जो है ना हनुमान चालीसा, उसमें वर्षों पहले, हजारों लाखों वर्षों पहले बता दिया कि जब हनुमान जी का जन्म हुआ तो उन्होंने सूर्य को देखा, ये फल है जो शास्त्र योजना पर भानु ली होता है, मधुर फल जानू, एक चुटकी में ऊपर उड़ गए और सूर्य को निगल लिया फल समझ के, तो जो सहस्त्र योजन पर भानु ली लेता है मंद्र फल जानू, क्या मतलब है इसका, 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर वर्ग किलोमीटर दूरी है सूर्य से धरती की, तो इतने बड़े प्रूफ है कि हर युग में भगवान ने जन्म लिया है। और ये अधर्मी नास्तिक कुत्ते सूर की नस्ल के लोग कह रहे हैं कि भगवान ही है, ओ भाई तुम लोगों को फंडिंग कौन कर रहा है यार कि धर्म परिवर्तन के लिए, और किस धर्म की बात कर रहे हो तुम, कौन सा धर्म, भगवान ने खुद जन्म लिया इस धरती पे अधर्म का नाश करने के लिए, और तुम किस धर्म की बात कर रहे हो।
किसी धर्म के 500 वर्ष पुराने धर्म की बात कर रहे हो, मैं नाम लूंगा यहाँ पे, 1400 वर्ष पुराने धर्म की बात कर रहे हो या 3000 वर्ष पुराने धर्म की बात कर रहे हो या 4000 वर्ष पुराने जिसको बौद्ध धर्म कहा जाता है उस धर्म की बात कर रहे हो। जब मैं बोल रहा हूँ कि लाखों वर्षों युग वर्षों का एक युग है, सतयुग है, त्रेता युग, द्वापर युग है, हर एक युग में भगवान ने जन्म लिया अधर्मियों का नाश करने के लिए। उस टाइम भी लोग रहते थे, सतयुग में भी लोग रहते थे। भक्त प्रहलाद जो है हिरण्यकश्यप जिसके पिता थे, उसका नाश करने के लिए भगवान कृष्ण भगवान विष्णु ने जन्म लिया था नरसिंह अवतार का, वो सतयुग की बात है। और रामायण भगवान श्री राम ने रावण का वध किया, वो सभी को कौन जानता, कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। त्रेता युग में लिया, द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, इन युगों को कौन नहीं जानता है। तो उस टाइम क्या त्रेता युग में क्या लोग नहीं रहते थे? राम भगवान ने जन्म लिया, वो तो भगवान विष्णु के अंश थे, उन्होंने जन्म लिया। तो उस टाइम के मतलब लोग नहीं रहते थे सतयुग में, के लोग नहीं रहते थे। ये अधर्मी कौन सी किताब पढ़ के आए, कौन सा मतलब सूर की नस्ल का वो खा के आए हैं ये कि ईश्वर नहीं है। अब ये भी है कि जब जब पाप बढ़ा है, अधर्म बढ़ा है चरम सीमा, ये कलयुग चला हो ना, इसकी उम्र तो बहुत लंबी है, इस युग में भी भगवान जन्म लेंगे। तो इन अधर्मियों को, इन पापियों को, इन जो जिनको ये फंडिंग कर रहे हैं ना, इनको समझाए कोई यार, इन कौन सी किताब पढ़ के आए हैं। अब देखिए मैंने क्या कहा, जो उस पर कहा गया है हनुमान चालीसा में कि युग शास्त्र जो पर मारू ली लेता है मदरफल जाने, कुछ सेकंडों में अब हनुमान जी जो है वो भगवान शिव के अवतार अंश माने जाते हैं, उन्होंने भी इस धरती पे जन्म लिया और वो चिरंजीवी है। आपको पता है कि इस धरती पे कौन कौन चिरंजीवी है? 6 महान ऐसी आत्माएं हैं जो चिरंजीवी है, परशुराम जी है, अश्वत्थामा जी है, हनुमान जी है। बट यार कुछ इन अधर्मियों को, इन पापियों को कौन सी किताब पढ़ाई जाती है, कौन सी फंडिंग की जाती है कि आप, बट मैंने धर्म की बात की तो किस धर्म में, मतलब कौन से धर्म में ये अपना धर्म परिवर्तन करेंगे? 4000 वर्ष पुराना ये, 3000 या 1400 या 500 वर्ष पुराने कौन से धर्म में फंडिंग करेगा? कितना पैसा मिल रहा है इनको, कितना का पैसा मिल रहा है? और जिन लोगों को पता नहीं है इसके बारे में, जिन लोगों को पता नहीं है इसके बारे में कि ये है क्या, मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है। क्योंकि हमारे धर्म में, हिंदू धर्म की बात करूँ, 4 वेद हैं, कितने महाग्रंथ हैं, और कुछ इन धर्मों की बात की जाए तो एक आधी किताब है, वो कौन पढ़ लेता है? अब हमारे धर्म की बात करें, भगवत गीता ही पढ़ लें तो वहीं से बंदा ज्ञान प्राप्त कर लेता है। देखिए ईश्वर है, सभी मानते हैं, ऐसी पवित्र जगहें हैं जहाँ पे लोग जाते हैं, अपनी मान्यता जो मान्यता उनकी वो मानते हैं, पूरी भी होती है, ईश्वर पूरी करता है। अब देखिए मैं यहाँ अपने चंबा से हूँ, यहाँ हमारे भोले शंकर की नगरी कहा जाता है, यहाँ पे मणिमहेश, लाखों लोग करोड़ों लोग आते हैं हर वर्ष अपनी मान्यता पूरी करने के लिए आते हैं, और होती हैं। हमारे यहाँ पे माता रानी का मंदिर है, भली माता का मंदिर, वहाँ भी मतलब कितने लोग आते हैं, मानते हैं, श्रद्धा है, पूजा उनकी यार आस्था है, और उनकी मान्यताएं पूरी होती है, तो क्या ईश्वर नहीं है? ये अधर्मी कौन सी चक्की का आटा खाते हैं यार। और बस इस चीज़ का दुख है कि मतलब इनको कौन से धर्म में फंडिंग करने के पैसा मिलता है, और किस तरह से ये अडम्बर रच के लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। अंबेडकर जी की पूरी लाइफ उसमें चली गई, उनको किस तरह, उनकी फैमिली के साथ क्या हुआ, मतलब उन्होंने लोगों को क्या प्रेरित किया। अब और मनु जी को कि क्या कहा गया उसमें, ब्राह्मणवाद को बताया गया, ये सारी ये अडम्बर है, कुछ नहीं है इन लोगों की बातों में। यार अंबेडकर जी की लाइफ देख लो आप, मनु की 4000 वर्ष पूर्व मानते हैं कि उन्होंने क्रिएशन किया, ऐसा वैसा किया, कुछ है, वो कुछ नहीं है यार, ये इन चीज़ों को नहीं मानता मैं। हमारा सनातन धर्म जो है ना लाखों वर्षों पुराना है, वो लोग इसके प्रूफ आज भी मिल रहे हैं, रामायण महाभारत के आज भी प्रूफ मिलते हैं, आज भी स्टडी चली हुई हैं, आज भी स्टडी चली हुई है। मैंने क्या कहा, महाभारत को देख के मतलब ये विश्वविद हुए थे, क्यों? क्योंकि इतने बड़े अस्त्र शस्त्र थे, ब्रह्मास्त्र, कोई कौन से अस्त्र जिसको देख के मतलब जहाँ पे गिराया जाता तबाही मच जाती थी,
उन चीज़ों को खोज करके, उनकी रिसर्च करके आज दुनिया जो है ना, मतलब इतने बड़े हथियार बना रही है। तो इन हरामियों को कौन समझाएगा, इन दलों को? कौन सी किताब पढ़ के आए हैं? दो किताबें रख दी, एक अम्बेडकर जी के बारे में और एक दूसरी मनु, जिसको स्वयंभू कहा जाता है, वो धर्म है। तो दोस्तों, इन बंदों की बातों में ना आए, इन हरामियों की, इन सूर के लादों की बातों में ना आए, जो हमारे सनातन है ना, हम प्राउड फील करते हैं। मैंने पहले कहा कि भगवान है और हर युग में भगवान ने जन्म लिया है पापियों का नाश करने के लिए। इन जैसे पापियों धर्मियों का नाश भी होगा। तो ये जो मतलब मानसिकता के साथ खेल रहे हैं ना कि ये है वो ऐसा है, मैं मानता हूँ कि इंडिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब आडंबर करते हैं बाबा का वो वेश धारण करके, या कुछ ऐसे कांड हुए भी हैं जैसे राम रहीम आशा राम, वो जो मतलब लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं कई है। मैं इन चीज़ों बिलीव नहीं करता हूँ, जो ये जो इस तरह का आडंबर रचते हैं बाबा लोग, मैं नहीं मानता इनको। बट ये जो है ना रियलिटी, जो रियलिटी कोई झुठला नहीं सकता। दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इन हरामियों को, इन कुत्तों, इन सूरों की बातों में ना आए। ईश्वर है, अडिग है, आदि अनंत है, वो है, उसको कोई झुठला नहीं सकता। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई इस तरह की वीडियो हो ना, जैसे दिल पे लगती, तो हम उसकी सच्चाई बताएंगे कि क्या है ये। बट इन हरामियों को जवाब देना बहुत ज़रूरी है। एक अम्बेडकर जी की लाइफ स्टाइल लेके आ गए और एक मनु की और दल्लों, तुम जितने प्रूफ लेके आओ वो फेक है, कुछ नहीं है। हराम खोरो, सुधर जाओ।